भाई कैसा लगा आज हिस्टोरिकल प्लेस? अजय सर और शेख साहब, वैसे तो शेखपुर में बड़े हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ कैसा लगा? जबरदस्त, क्योंकि अभी तक जितनी भी पीएसएल के ट्रॉफी अनवीलिंग हुई है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया। कोई मीनिंग है, कोई ऐसे आप कहीं होटल में कर लो तो ये आई थिंक ये लोगों को पता चले। मैं तो खुद पता नहीं है कि बचपन में 4-5 साल का तो आया हूँ, आज आया हूँ दूसरी दफा। तो लाहौर के अंदर दिफा कर रही है अपने डिफेंडिंग चैंपियंस। हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो मुश्किल थी वो पहले 4 सीजन थी और उसके बाद 5वें सीजन में फाइनल खेला, फिर जो 6ठा सीजन है उसमें भी जब पाकिस्तान में 6 मैच हुए तो हम 5 जीते थे। कोविड आ गया, टीम टूट गई, कॉम्बिनेशन बदल गए तो उस तरह ना कर पाए। लास्ट ईयर फाइनल जीते हैं। सीजन 5 से ना हमारी टीम कंप्लीट हो गई थी। एक कप्तान था जो ट्रेंड हो रहा था, वो पिछले साल शाहीन आया और उसने ट्रॉफी लाहौरियों को तोहफे में दी है। और हमेशा हम ये बात करते थे कि कलंदर को 4 साल लोगों ने बहुत गालियाँ दी, बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन हम अपना काम कर रहे थे और एक ही बात कहते थे कि जीतेंगे तो लाहौर में फाइनल होगा तो जीतेंगे, और एक दफ़ा जीतेंगे तो फिर हराना मुश्किल हो जाएगा। मुझे याद है पिछले पीएसएल में मुझे मोइन खान ने कहा यार तुझे बढ़िया गालियां पड़ी है, मैं कहा बेटा अब तेरी बारी है। शाहीन के बारे में क्या बेटा है, मुकम्मल फिट है या अभी कुछ? हाँ शाहीन को तो अब आई थिंक इट्स बीन ये 4th वीक है, वो बॉलिंग उसने शुरू की हुई है और मैचेस भी अभी खेल रहा है। देखिए नजम भाई जब भी आते हैं कलंदरों वाली हरकत करते हैं। जब पहले चेयरमैन बने थे तो पीएसएल शुरू कर दी थी और अब जब चेयरमैन बने हैं तो पाकिस्तान और लाहौर के बागात जो है उनको आबाद करने का काम शुरू किया। पहले मैदान आबाद किए, अब बाग आबाद कर रहे हैं, तो कलंदर्स इनके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह जो नजम भाई ने ऐलान किया कि शालामार गार्डन इतना खूबसूरत है, इसको सारी दुनिया को देखने आना चाहिए, तो हम ना एक हफ्ते के लिए अपनी जो चैंपियंस की ट्रॉफी है शालामार बाग में प्लेस कर रहे हैं ताकि लोग आएँ, सेल्फी खिंचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग स्टेडियम में आ सके। आप डिफेंडिंग चैंपियन है, जो ही ट्रॉफी आई आपने खुद उसको थाम भी लिया, पकड़ लिया, तो क्या आप इंशाल्लाह एक बार फिर कामयाबी के लिए? देखिए कलंदर्स ने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया, चाहे वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट हो या ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट हो, शाहीन हारिस फखर आपके सामने है। सो इस दफ़ा हम इंशाल्लाह पहली टीम बनेंगे जो अपने टाइटल का दिफा करेगी। खत्म नहीं हो रहा।